डैशबोर्ड, अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, पहले समझिए कि डैशबोर्ड होता क्या है। डैशबोर्ड मतलब अगर हम कंप्यूटर हटा दें, अब गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी के आगे के जो जितने चीजें होते हैं उसको भी डैशबोर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी गाड़ी का कंट्रोल आपके पास में होता है। अगर मान लीजिए आपको अगर ब्रेक लगाना है, तो आप अपने सीट पे बैठे बैठे ब्रेक लगा सकते हैं। आपकी गोड़ी गाड़ी का बैटरी, आपके गाड़ी का स्पीड, आपके गाड़ी का किलोमीटर्स, आपके गाड़ी का फ्यूल, हर एक चीज आपके सामने नजर आती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है। सेम चीज आपकी रिपोर्ट में भी होता है, डैशबोर्ड, कि आप पूरी ये पूरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सारे एक सीट पे आप देना चाहते हैं। आप क्लिक करके दूसरे सीट पे ना जाए। तो जो भी, अगर मान लीजिए कि अगर आप सेल्स में है, राइट, तो सेल्स मॉनिटर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती होगी, अपडेट चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ड्यूलक्स पेंट में कुछ दिनों के लिए सेल्स में था, तो मैं मेरी की सेल्स की मेरी नॉलेज नहीं थी, मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं आईटी का बंदा था। बट क्या ना सर, रिसेशन चल रहे थे 2007 में, तो उन्होंने मुझे उठा के डाल दिया सेल्स में कि भाई सेल्स करो। तो मैंने सबसे ज्यादा सेल किया था। क्यों क्यों हुआ कि सब लोग जो है जो ट्रेडिशनल सेल्स के तरीके अपना रहे, लेकिन मैंने क्या किया, अपने डीलर के हिसाब से पूरा फिल्टर किया और देखा कि किस डीलर के पास किस कौन कौन से ऐसे पेंट है जिसका स्टॉक बिल्कुल नहीं, भले वो सेल वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेल करने वाला प्रोडक्ट ना हो, वो महीने में एक दो पीस बिकने वाला प्रोडक्ट। मैंने लिस्ट निकाला कि किसके पास स्टॉक नहीं है। मैंने उनको फोन किया, बोला कि प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास नहीं। बोलता नहीं बिकता है। अरे एक दो पीस तो रख लो, ताकि कोई आ जाए तो उसको मना तो नहीं करो, किसी और दुकान ना जाए। वो समझ गया सेल। ये चीजें बाकियों को नहीं बताते। बाकियों क्या होते थे कि जो ज्यादा ऑर्डर दे, जो ज्यादा प्रोडक्ट उस पर भी करते, उनके पास उसका स्टॉक पड़ा ही है, तो डीलर जब तक स्टॉक कस्टमर नहीं लेगा तब तक कैसे आपका परचेज लेगा। मैंने अकेले अपनाया और एक दिन में सबसे ज्यादा सेल कर दी मैंने। तो कहने मतलब कि मुझे क्या मिला, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, बट हमारे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर ये इंफॉर्मेशन बाकी सेल्समैन को भी होती, वो भी इस चीज को कर सकते थे, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं था डेटा में से ऐसी इंफॉर्मेशन को छाटना। उनके पास पहले से बने बनाए डैशबोर्ड के तरीके थे, लेकिन वो उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। जो दिखाता है वही देखते हैं। जैसे आपके गाड़ी में जो पहले से लगा हुआ है वही है, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते ना। आप ये आपको एक मेरा डिक्की खुला हुआ है, मुझे इंडिकेट करे। अब ऐसी चीजें तो आपको नहीं शो करेगी ना, आप कस्टमाइज करवाना पड़ेगा, वो आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक्सेल में अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट अपने हिसाब से चाहिए, यू कैन कस्टमाइज, ये आपका डैशबोर्ड होता है। अब डैशबोर्ड में क्या स्किल्स चाहिए? डैशबोर्ड में आपको पूरी की पूरी एक्सेल पता होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी रिपोर्ट के कौन से फीचर्स में क्या जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब चलिए, अब आपको आइडिया नहीं है कि डैशबोर्ड होता क्या है, किस तरह का दिखता है, क्या क्या होता है, अगर आइडिया नहीं है तो इसकी मदद, इस चीज पे मदद आपको करेगा आपका गूगल। जी हाँ, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करें डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इमेज में आते हैं, इस सारे डैशबोर्ड दिख रहा है सर, ठीक है, डैशबोर्ड कहा जाता है। तो बोलेंगे सर डैशबोर्ड के अंदर में ज्यादातर चार्ट ही क्यों होते हैं? अब एक बड़े क्वेश्चन पूछा कि डैशबोर्ड्स के अंदर में ज्यादातर चार्ट ही क्यों होते हैं? जब जितने भी डैशबोर्ड देखते हैं सब में चार्ट ही दिखते हैं, चार्ट होते क्यों? जैसे इसी देखिए, इसमें सिर्फ चार्ट ही चार्ट, समझ रहे हैं सर? तो चार्ट होते क्यों हैं, सबसे पहली बात यहां पर आता है। तो अब उसके लिए हम आपको चार्ट की, ये तो पावर बीआई का मैं चार्ट दिख रहा डैशबोर्ड है। बताया तो नहीं, एक्सेल में भी बन सकता है चार्ट। अच्छा
मैं आप ये बता रहा हूँ कि पावर बीआई क्या है, मैं दिखा रहा हूँ कि डैशबोर्ड में मोस्टली चार्ट ही होते हैं। अभी इस रिपोर्ट में आया हुआ है, जरूरी नहीं कि एक्सेल का ही हो, जरूरी नहीं पावर बीआई का हो, या जरूरी नहीं टैबलू का ही हो, समझ गए। जैसे आपको हम यहाँ पे इंटीमेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि डैशबोर्ड में मोस्टली चार्ट ही क्यों दिखते हैं, तो उसके पीछे रीजन है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्वार्टर वन एंड नहीं मंथ वाइज करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास मंथ वाइज सेल है, मंथ एंड सेल, मैं यहाँ पे जनवरी मार्च डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट डालता हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चार्ट का यूज होता है अच्छा दिखने के लिए, अच्छा सा कलरफुल दिखेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। मेरी मानना है ऐसा नहीं। अब देखिए आपके सामने मैंने एक छोटा सा डेटा लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस डेटा में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, इजिली बता सकते हैं। आप एक नजर मारेंगे बोलेंगे कि सर ये 85 सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन सा है, और 47 सबसे लोएस्ट, बता सकते हैं इजिली। लेकिन मैं इसी नंबर को कई 100 करोड़ में कर दूं, अब बता पाना मुश्किल है ना सर। करेक्ट, क्या क्योंकि हमारी क्या किसी और के लिए थी, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक बजे में देख के बता दे हाईएस्ट को, उसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग उसको भी दोहराना पड़ जाएगा। बट इसी चीज को अगर मैं अपने ग्राफिक्स में एक ग्राफिक विजुलाइजेशन में हम इसको दिखा दो, ग्राफिक्स विजुलाइजेशन में हम दिखा देते हैं यहाँ पे, तो इजिली आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत बोल देंगे कि सबसे हाईएस्ट अगस्त है, सेकेंड लास्ट पे आता है आपका अप्रैल, और सबसे छोटा आपका आ रहा है फेब। फेब और जुलाई में ज्यादा फर्क नहीं है, क्या सर? राइट है सर, राइट। तो चार्ट जो है आज से यूज नहीं हो रहे हैं, चार्ट बहुत पुराने काल से यूज हो रहा है। पहले के जो रूलर थे अब उनको हम बताएंगे कि भाई आपके यहाँ पिछले साल 56,30,535 हुआ था, इसका 52,500 करोड़ 15,20,00,000 हुए हैं, तो उसको दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि तो सारे रूल्स हमारे मैथमेटिक्स नहीं थे, मैथमेटिशियन नहीं थे ना, तो उनको इस तरह की ग्राफ में बताया जाता था कि सर जिसकी बिल्डिंग ऊंची है उस साल ज्यादा सेल हुई है, ये देखिए बिल्डिंग कम है कुछ कम साल हुई है, कम सेल्स हुई है, समझे। अब इसमें अब ये डैशबोर्ड्स में चाहिए तो आपको चार्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट्स से अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो आपको उससे अच्छा आपको फॉर्मेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पे, तो इसी पे कंफ्यूजन हो रही है कि अब हाउ कैन आइडेंटिफाई। सो ठीक है, मैं देख रहा सबसे ज्यादा सेल हुआ, लेकिन सेल है कितना, अब इसको काउंट करने में तो प्रॉब्लम है सर। करेक्ट, क्या? तो इसको हमने क्या किया, दो तरीका हो सकता है कि हमने फॉर्मेट एक्सिस में गया और इसके एक्सिस के अंदर इसका आता है नंबर फॉर्मेट, नंबर नीचे नंबर दिखा है, नंबर नंबर में यहां पे मैंने कर दिया हैश कॉमा, और यहां पे हम कर देते के ऐड। अब यहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ गया ना सर, ये 80,000 के है या 10,00,000 के है। अब इसको भी और बेटर में करना है तो 0.002 बार स्लैश करके हमने कर दिया, ये रहा, ये देखिए 80 मिलियन यहां पे एम कर देते हैं, और फर्क पड़ रहा है ना सर, इजिली समझ में आ रहा है। अब तो मैंने कोड डाला, एक कोड क्या था ये आपको पता होना चाहिए ना सर। करेक्ट, कोड मैंने आपको बता दिया, लेकिन जरूरत थोड़ी कि एक कोड आपको यूज होगा, कुछ और भी तो यूज हो सकता है।
आपको पता चल गया कि हाँ नंबर यहाँ पे कोड डालने से यहाँ नंबर छोटा बड़ा या फिर किसी में कन्वर्ट हो जाता है और भी चीजें हो जाती है, बट कोड क्या होते हैं तो पहले आपको कोड के बारे में जानना होगा, समझे? इसलिए हम बोलते हैं कि आपको एक्सेल की गुड एंड वेल नॉलेज है तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट द डैशबोर्ड, नहीं है तो डैशबोर्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? अब जोड़ी ने आप डैश, ये तो डैशबोर्ड बनाना हो गया, अब बात करते हैं डैशबोर्ड का इंटरेक्शन, हाउ कैन इंटरेक्ट विथ डैशबोर्ड। तो जैसे कि मैंने यहां पे एक सिंपल सा मैंने मंथ डाला हुआ है और यहां पे नेम डाला हुआ है, और यहां पे मंथ में जैन फैब करके डाल दो, अब प्रॉब्लम है कि मुझे अपने डैशबोर्ड में इसको कंपेयरिंग दिखाना है चार्ट पे ही, मान लीजिए। तो अगर मैंने इसको चार्ट, मान लीजिए पूरे को चार्ट बनाया, तो अभी तो चलो माना 10 ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है 100 हो आपके पास, तो इस सबको चार्ट में दिखा पाना मुश्किल है। अगर दिखाते भी है तो बंदे को समझने में बहुत टाइम लगने वाला है, करेक्ट? लेकिन मुझे बेसिकली बंदे को किसी मान लीजिए कि जनवरी या फरवरी के सेल में क्या है उससे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं, बस उसको कंपेयर करना है कि जनवरी में किस पर्सन ने कितना सेल किया, उसको क्या कंपेयरिंग है, फरवरी में क्या कंपेयरिंग है, मार्च में क्या कंपेयरिंग है, मतलब कि उसको कॉलम वाइज कंपेयर करना है ना कि रो वाइज, बात समझे? राइट, मतलब उसको अगर इस तरह से इंडिविजुअल डेट मिल जाए, इस यहाँ पे इंडिविजुअल मिल जाए तो बेटर है। बात समझे सर? राइट सर। तो इसमें दो चीजें हो सकता है, यहाँ मैं ड्रॉप डाउन बना दू, मैं ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूँ मंथ वाइज तो आ जाए, या फिर मैं यहाँ पे कर्सर रखू और कर्सर रखते हैं यहाँ पे डेटा चेंज हो जाए, तो इसको बोला जाता है इवेंट। तो इस तरह की चीजें के लिए आपको फिर वीवीए प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे व्यू कोड में गया और यहाँ हमने वर्कशीट पे गया सिलेक्शन चेंज और यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग डाल दें, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला भी डालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे सर ये क्या क्या समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट उसके लिए आपको पूरा मैटर समझना होगा। तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सेल एंड वीवीए की थोड़ी बहुत नॉलेज क्यों होनी चाहिए डैशबोर्ड को सीखने से पहले, बस मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। तो मैंने अपने रिपोर्ट में थोड़ा सा एक्सेल की मदद ली और फिर मैंने यहां से उठाया और इसको यहां रख दिया, चार्ट मेरा इससे लिंक है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं नंबर टू डालू तो मंथ का, नंबर थ्री डालू तो तीसरे मंथ का आ जाता है, नंबर फोर डालू चौथे मंथ का आ जाता है, ये और से फॉर्मूला की मदद से। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ आपका इसका मंथ आ जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल कौन सा रेंज है A16, हमें यहाँ पे एक कोड डाल देना है कि ए रेंज A16 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो माइनस वन। माइनस वन क्यों करना है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं यहां ये फोर पे क्लिक करता हूं तो यहां पे थ्री होना चाहिए, तो ये थ्री का मार्च का आएगा, तो मैंने यहां पे डाल दिया सिंपल सा एक लेने को डाल दिया। अब क्या हो गया कि मैं जैसे यहां पे क्लिक करूं, अब यहां पे इसको उठाकर मैं नीचे रख देता हूं ताकि इंटरेक्शन बना रहे और पीछे का डेटा भी छुप जाए, समझे सर? तो डैशबोर्ड में अगर इसका हम डालेंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा ना, अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपका जो भी गूगल पे दिखा रहा था इस तरह का डैशबोर्ड हो और उस पर हम जो है इस तरह की सिलेक्शन करें और इंटरेक्ट हो तो और ज्यादा बेटर होगा ना सर? सही बोला।
तो इसके लिए आपको थोड़ी सी विवेक की बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या क्या चीज सीखना चाहिए पहले डैशबोर्ड से? पहले डैशबोर्ड से पहले आपको सबसे पहले आपको यहां के फॉर्मेट ट्रिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कस्टम फॉर्मेट। तीसरा, ऑल्सो कंडीशनल फॉर्मेट, ये जरूरी होता है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्यों जरूरत है बता देता हूं आपको। जैसे कि अब इसी डेटा की हम बात करते हैं, इसी डेटा की बात करते हैं। अब डेटा मान लीजिए हजारों में है आपका, डेटा आपका हजारों में, तो यहां पे मैं टोटल डाल देता हूं। तो मुझे अब जो कंपेयर करना है, अब मुझे इसके अंदर कंपेयर नहीं करना, मुझे इसका टोटल पता करना है कि इसका टोटल का पूरे पोजीशन क्या है। तो मैं अगर इंसर्ट करके इसका अलग से बार चार्ट निकालता हूं, इस तरह से बार चार्ट, और फिर यहां फिट करने की कोशिश करूंगा तो बहुत दिक्कत होगी ना सर। तो यहां पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, पूरे नंबर को ड्रैग करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, यहाँ पे डेटा वार को लेते हैं, फिर मैनेज रूल में जाते हैं और इस नंबर को 100 बार ओनली कर देते हैं तो नंबर नहीं दिखेगा। समझे सर? करेक्ट। तो ये चीजें भी आपको अपने डैशबोर्ड में चाहिए होती होगी। जैसे डैशबोर्ड देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे देख रहे हैं ना, बहुत सारे बार चार्ट भी है ना सर। राइट, ये चीजें चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी चाहिए होगा, देन पिवट टेबल ऑल्सो, पिवट टेबल भी चाहिए होगा आपको। उसके बाद आपके पास चार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, देन फॉर्मूले की, फॉर्मूलाज। उसके बाद फिर ए टॉपिक फॉर्मूले की, और वीवीए में भी आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए वीवीए की, इवेंट आना चाहिए, इवेंट काफी ज्यादा यूज होता है, इवेंट आना चाहिए आपको, एंड आपको आना चाहिए फंक्शन, अपने खुद के फंक्शन क्रिएट करना, देन आना चाहिए यूजर फॉर्म, ये आपको आना चाहिए वीवीए में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं डैशबोर्ड, तो ये आपका एक्सेल पार्ट, एक्सेल में ये पार्ट आपको पहले से आना चाहिए और वीवीए में आपको ये पार्ट आना चाहिए कम से कम, देन यू कैन एलिजिबल लर्न टू डैशबोर्ड। समझाया सर? हाँ जी सर, हाँ जी। अब क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, हमने आपको दो तीन एग्जाम्पल से बताया कि क्यों चाहिए। तो आपको मैंने 5 आवर्स की वीडियोज भेजी थी, 5 आवर्स की वीडियोज अगर आपने देखा तो इसमें के बहुत सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। ओके, आपने देखा है सर वीडियोज? आपने कल मैंने देखा था, 10-15 मिनट देखा था कल, मेरी बैक टू बैक, एज आई टोल्ड यू ना, कल बैक टू बैक मेरी मीटिंग थी, ठीक है। तो फिर तो आप जो है वो 5 आवर वाले एक्सेल वाले पार्ट को देख लेंगे तो इसके मोस्टली पार्ट कवर हो जाएंगे, छोटी मोटी चीजें पड़ेगी जैसे कि डायनेमिक चार्ट वगैरह बनाना, वो आपको मैं बता दूंगा, वो तो डैशबोर्ड का पार्ट है। उसके बाद हम वीवीए पढ़ लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले वो 5 घंटे वाले वीडियोज कंप्लीट कर लें ताकि आप एक्सेल के सारे पार्ट को पहले से जान लें। उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग भी है, उसमें कंडीशनल भी है, उसमें पिवट्स भी है, सम पार्ट ऑफ द चार्ट भी है और बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं। सर एक बात बताओ, ये वी लुकअप में अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो हमें कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला है कि वो ऑटो वहां से उठा ले, मैं सिर्फ नंबर यहाँ चेंज कर दूं, क्योंकि फिर पता चला सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स 100 है, मुझे दूसरे सीट में हर एक कॉलम्स का डेटा उठाना है तो मैच लगा लीजिए ना।
मुझे 100 फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। नहीं, वी लुकअप मैच लगा लीजिए। तो वो सर एक बार एग्जांपल से एक समझाएं। जी हाँ जी हाँ, आपको बहुत सीखने की जरूरत है डैशबोर्ड के लिए। डायरेक्ट डैशबोर्ड सीख रहे हैं हम, हमें नहीं लगता है कि आपको जरा कुछ समझ पाएगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा है सर। सर हमारा बैकग्राउंड है MIS का, मतलब ऐसा कुछ कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। हम बेसिक चीज जितना आना चाहिए उतना हमने ट्राई किया सर। वो डायरेक्ट डैशबोर्ड सीख रहे हैं ना, वो भी दिक्कत है ना। डैशबोर्ड एक्सपर्ट का काम होता है। एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, वो डैशबोर्ड सीखने से पहले एक्सपर्ट सीखते हैं। देखिए, आप चाहते हैं 5 नंबर का पूरा आ जाए ना, तो आप सिंपल सा वी लुकअप फॉर्मूला लगाएं। वी लुकअप लगा जैसे लगाते हैं उस तरह से लगाए, लगा लिए। अब इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। अगर आपको पता है कि इसका 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 कॉलम नंबर क्या है, आपको आइडिया है, बट आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, तो आप एक बार पूरा को सिलेक्ट कर, ठीक है, और फिर वी लुकअप लगाएं, इसको सिलेक्ट करें और पूरे एरिया को सिलेक्ट करें, और फिर कर्ली ब्रैकेट में आप 2, 3, 4, 5, 6 कितने नाम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक चलेगा, ठीक है, कॉमा 0, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हो गया सर। लेकिन आपको पता नहीं है कि किसका क्या नंबर है, ठीक है, सीक्वेंस में ये नहीं नहीं पता आपको, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, और यहां हम बात करेंगे मैच का। मैच मैच में हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, मैं दोनों का हेडिंग से होना चाहिए, और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 0, फिर कॉमा 0। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले आपको पता ही है कि हमें फ्रीज करना पड़ेगा। एन फाइल में फाइल को फ्रीज करना है और इसको फ्रीज करना है, ठीक है। अब जस्ट ड्रैग कर दीजिए इस कॉलम के अकॉर्डिंग, यहां से मैच करेगा। मैच क्या करेगा, मैच फॉर्मूला बताएगा इसका कॉलम नंबर क्या है, जैसे कि इसमें यहां पे देखा, और इस पूरे को सिलेक्ट करेगा और कॉमा 0, बताएगा इसका कॉलम नंबर क्या है। वी लुकअप का 2 ही तो चाहिए, तो मिल गया, वी लुकअप मैच इंडेक्स लगा दिया, ठीक है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जो है पहले मेरी जो वीडियो